नमस्कार, मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे सेशन में। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ आप सभी को सही तरीके से सुनाई दे रही होगी। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आवाज़ मेरी सही आ रही है। ओके ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर सब कुछ सही है, एवरीथिंग फाइन, सब कुछ ओके है, तो आज हम करेंगे 15 दिसंबर की करंट अफेयर्स को, राइट। इसी तरह से इस सेशन के तुरंत बाद होगी 16 दिसंबर की करंट अफेयर्स, और कल होगी आपकी शाम को 17, यानी कि 17 दिसंबर की जो पेंडिंग पड़ी थी, और साथ में 18-19 वाली, मतलब 18-19 की कंबाइंड क्लास होगी और 17 की एक क्लास होगी, राइट। तो आज हम दो करंट अफेयर्स की क्लासेस करेंगे और कल भी हम दो करंट अफेयर्स की क्लासेस करेंगे, तो आपकी सारी जो पेंडेंसी है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ और 16 क्लास की पीडीएफ मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। 17 और जो 18-19 वाले पीडीएफ हो, वो कल की जब क्लास लूंगा मैं, तो उसी के साथ आपको दे दी जाएगी। और जब 17, 18, 19 की मिल जाएगी, तो उस वीक की जो पीडीएफ पेंडिंग पड़ी है वो भी जब वो बन जाएगी, तो वीक भी बन जाएगी, है ना। वीकली पीडीएफ उस 17 और 19 की पीडीएफ के बिना नहीं बन सकती ना, तो इसलिए वो पीडीएफ आपको देनी अभी तक, ठीक है। चलो सर, 10 AM को क्यों नहीं होती क्लास? 10 AM को डेली होती है क्लास, 10:30 बजे डेली तो होती है क्लास। ये तो कुछ पिछली क्लासेस पेंडिंग बनी हैं, वो क्लासेस ले रहा हूँ मैं शाम को। खुद देखो यार, 15 दिसंबर आज तारीख है 30 दिसंबर, मैं 15 को क्लास लूंगा शाम को। 30 लिखता ना अगर मैं शाम को क्लास लेता, 30 की क्लास तो सुबह हो चुकी है, राइट। चलो सेशन की शुरुआत करें, बढ़े आगे, जल्दी से करते हैं, इसके बाद एक और सेशन है हमारा, राइट। पहली खबर, आप में से खैर काफी लोगों ने इसको रिवीजन तो कर ही लिया होगा इस चीज को, राइट। तो ये पहली जो न्यूज आई है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, इन्होंने यहां पर 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिजिटाइजेशन हब ओडिशा में यहां पर इसको इनॉग्रेट किया। 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यहां पर ओपन किए गए, जो आपके डिजिटलाइजेशन, मतलब कि उनको यहां पर डिजिटल फॉर्म में यहां पर जोड़ा गया, राइट। सो इसी के साथ अब टोटल 15 ऐसे डिजिटलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चुके हैं, जो अब यहां पर फंक्शनल है इस पूरे के पूरे स्टेट में, जो कि पूरे के पूरे यहां पर तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कवर करते हैं। ये हब्स जो बनाई गई हैं, ये अलग अलग जगह पर बनाई गई हैं, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आप नंबर याद रखने वाली बात है। यहां पर 10 डिस्ट्रिक्ट और टोटल अब हो चुके हैं 15, राइट। ओके, बफर कर रही है यार, कितना बफर कर रहा है। ओके, गोदी इंडिया बिगिंस, यहां पर प्रोडक्शन ऑफ इंडिया फर्स्ट 5.2 AH 21,700 सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल। सो गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया किसकी, ये इंडिया का पहला अपने आप में 5.2 Ah 21,700 सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी 275 वॉट आवर्स पर किलोग्राम है, जो कि बेस्ड है सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी पे। हैदराबाद में उसकी लोकेशन है जहां पर इसको यहां पर इन्होंने बनाया है। किसने बनाया है? गोदी इंडिया ने, इस पर्टिकुलर इंडिया के पहले इस कैपेसिटी के सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल को यहां पर इन्होंने बनाया है, राइट। गोदी इंडिया पहली इंडियन कंपनी बनी जिसको यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन भी हाल ही में प्राप्त हुआ था लिथियम इन सेल्स की, यहां पर उनको बेचने का जो एक सर्टिफिकेशन है वो इसी को गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त हुआ था हाल ही में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहां पर हाथ मिलाया है नोलपूजा ग्राम पंचायत के साथ, और इसके साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है वानीकरण प्रोजेक्ट को। वानीकरण प्रोजेक्ट बेसिकली लॉन्च किया गया है, जो भी जो फॉरेस्ट हैं उनमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं जो कि यहां पर उन नेचुरली ग्रोन प्लांट्स को वहां पर खराब करते हैं या उनको खत्म करने के प्रयास करते हैं, इनवेसिव प्लांट्स जैसे इनको बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को यहां पर आपका कंट्रोल कर में रखने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है वानीकरण। प्रोजेक्ट वॉज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द 30 hectares ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर द सुल्तान बाथरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ द वियानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो ये यहां पर एग्जीक्यूट किया गया, 30 hectares फॉरेस्ट लैंड है जो कि सुल्तान बाथरी फॉरेस्ट रेंज में है, वियानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेशन है जहां पर ये प्रोजेक्ट वानीकरण जो है इसकी लॉन्चिंग की गई है। केरला में है ये बेसिकली वियानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको यहां पर वहां की एक ग्राम पंचायत का नाम याद रख लेना, नोलपूजा ग्राम पंचायत, क्या लॉन्च किया? वनीकरा प्रोजेक्ट को यहां पर। ओके, अगली खबर, UIDAI ने एक बार फिर से टॉप किया है। UIDAI पिछले 4 months से कंटिन्यूसली टॉप कर रही है, किस लिस्ट में ये टॉप कर रही है? लोगों की समस्याओं को सुलझाने में।
एक ग्रीवियंस पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर ग्रीवियंस रेड्रेसल पोर्टल है तो उस पर हमारे सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं वो UIDAI जिसको जो आधार कार्ड आपका लॉन्च बनाती है उसके द्वारा सारी की सारी समस्याओं का निपटारा क्विकली किया जा रहा है यहाँ पर, रेजोल्यूशन ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज। और इसी में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें UIDAI ने लगातार चौथी बार यहाँ पर टॉप किया है। इसरो सक्सेसफुली कंप्लीट हाइपरसोनिक व्हीकल टेस्ट रन। सो इसरो ने यहां पर हाल ही में ज्वाइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल को यहां पर किया, ट्रायल किया उस चीज का, और ये किया गया यहां पर आपका इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑफिस हेडक्वार्टर में। यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल जो मिसाइल व्हीकल जो है ये बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से चलने वाला जो एक व्हीकल है उसको कहा गया है। ये एक एयरप्लेन भी हो सकता है, मिसाइल भी हो सकते हैं, स्पेसक्राफ्ट भी हो सकता है, जो कि यहां पर 5 गुना तेजी चलता है आपका साउंड की स्पीड से भी, साउंड की स्पीड से भी 5 गुना तेजी से। और ये यहां पर जो स्पीड रहेगी Mach 5 यहां पर आपकी रहेगी इसकी स्पीड, ऐसा इन्होंने कहा है। सो इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया हाइपरसोनिक व्हीकल टेस्ट रन को। अगला है MTAR टेक्नोलॉजी ने एक MOU साइन किया है किसके साथ, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड द ऑथराइजेशन सेंटर के साथ 3 सालों के लिए, टू डिजाइन एंड डेवलप अ 2 स्टेज टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑल लिक्विड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो MTAR टेक्नोलॉजी और इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन इन स्पेस के साथ मिलकर एक MOU साइन किया गया 3 साल के लिए, जिसके तहत वो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए यहां पर एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण करेंगे। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि यहां पर सैटेलाइट्स को लेकर जाता है, सिंपल सरल भाषा में बोलो जो रॉकेट आप देखते हैं वो होता है आपका एक लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगा और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी यानी कि कितने कैपेसिटी की सैटेलाइट्स को लेकर जा सकता है, 500 किलोग्राम की सैटेलाइट्स को ये साथ में लेकर जा सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एक MOU साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस क्यूबा के साथ यहां पर, और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर ये एग्रीमेंट जो साइन किया है आयुर्वेदा के प्रमोशन के लिए, आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए यहां पर किया गया है क्यूबा के साथ, और साथ ही साथ रोजनबर्ग यूरोपियन एकेडमी को आयुर्वेदा जर्मनी के साथ 5 more years टू प्रमोट आयुर्वेदा अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। ओके, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में यहां पर आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एग्रीमेंट साइन किया, एक तो क्यूबा के मेडिकल साइंस के साथ, एक दूसरा यहां पर इन्होंने किया है यूरोपियन अकेडमी ऑफ आयुर्वेदा जर्मनी का एक और इंस्टीट्यूशन है उसके साथ, तो क्यूबा और जर्मनी के इंस्टीट्यूशन के साथ आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए किया गया। हाल ही में इन्हें आयुर्वेदा वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो जो है वो पंजिम गोवा में आयोजित किया गया था, पंजिम गोवा में आयोजित किया गया था हाल ही में ये एक कॉन्फ्रेंस भी। Airbnb ने साइन किया MOU डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ, जिसके तहत यहां पर गोवा में टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, गोवा में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए MOU साइन किया गया है। एंड ये आपका हाल ही में 1 हफ्ता लंबा चलने वाला है, गोवा में कल्चरल डाइवर्सिटी एक इवेंट चल रहा था रीडिस्कवर गोवा नाम का, उस दौरान ये MOU साइन किया गया। Airbnb उम्मीद करता हूं आप में से काफी लोगों को पता होगा, Airbnb आपको रहने की सुविधा प्रोवाइड करती है, जस्ट होस्टल होटल जो होते हैं उस तरह का होता है ये। ओके, पूरी एक कंपनी है और अलग अलग लोकेशंस पर ये इनके टूरिस्ट स्पॉट्स पे इनके वहां पर अवेलेबल रहती है फैसिलिटी रुकने की जगह आपकी। ये सपोर्ट करेगा DOT आपका डिपार्टमेंट टूरिज्म का विजन, जिसमें यहां पर वर्कशॉप सेमिनार कंडक्ट किए जाएंगे किस तरह से यहां पर लोगों को एक बेहतरीन टूरिज्म, जो टूरिस्ट आते हैं उनको किस तरह से एक कंफर्टेबल होस्ट की तरह ये ट्रीट कर सकते हैं, इनको एक कंफर्टेबल स्टे दिया जा सकता है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने यहां पर एस्टेब्लिश किया ज्वाइंट वेंचर कंपनी किर्गिज इंडस्ट्री RVNL, किर्गिज इंडस्ट्री RVNL विद द किर्गिज इंडस्ट्री ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसके तहत रेल और अदर रेल रोड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहां पर किर्गिज रिपब्लिक में यहां पर एस्टेब्लिश करेंगे। सो रेल विकास निगम लिमिटेड ने ज्वाइंट वेंचर किया किर्गिज इंडस्ट्री के साथ, जिसके तहत किर्गिज रिपब्लिक में वहां पर ये रेल रोड और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर रेल विकास निगम लिमिटेड उनको बनाने में उनकी मदद करेगा वहां के लोगों की। इंडियन एमएससी नेपाल में और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने MOU साइन किया है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो नेपाल में यहां पर आपके
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो नेपाल की सुविधाओं के लिए यहां पर किए गए, बेसिकली 3 MOU साइन किए गए हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। इन प्रोजेक्ट्स में यहां पर सबसे पहले है श्री जनता बिलाका सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाएगी, दूसरा नगोंगा थेंचोक चोलिंग मेडिटेशन सेंटर यहां पर बनाया जाएगा, अगला यहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा लीज निखोला तिकासुंग दंगजेत जारलंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को। ओके, तो ये तीन यहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तीन चीजों का यहां पर आपका कंस्ट्रक्शन, जनता बिलाका सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग, नगोंगा थेंचोक चोलिंग मेडिटेशन सेंटर और तीसरा लीजने खोला तीका सुंग दंगजेत जारलंग वाटर सप्लाई को। ओके, तो तीनों के तीनों यहां पर प्रोजेक्ट्स में इंडियन एम्बेसी ने गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के साथ MOU साइन किया है। इसके लिए टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10179 मिलियन नेपाली रुपीज आने वाली है। ग्रुप ऑफ 7 मेजर इकोनॉमी G7 नेशंस ने यहां पर एस्टेब्लिश किया क्लाइमेट क्लब को, जो कि जुड़ा हुआ है यहां पर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए। जर्मनी में हाल ही में G7 की प्रेसिडेंसी की 1 जनवरी 2022 से कर रहा है, जो उसने यूनाइटेड किंगडम से लिया था पिछली बार वहां पर प्रेसिडेंसी थी, और ये जापान में 2023 उसका प्रेसिडेंस बनेगा। G7 में जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, जापान, कनाडा एंड दी यूएस है इसमें। यूरोपियन यूनियन के भी यहां पर देश जो है G7 मीटिंग्स में रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। आगे चलते हैं, WHO वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022। सो यहां पर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 पब्लिश किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। COVID-19 पैंडेमिक हैज डिस्टर्प्टेड अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल मलेरिया रिजल्टिंग 63,000 मोर डेथ। सो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में आई है, काफी लंबी चौड़ी ये रिपोर्ट है, ठीक है। 63,000 डेथ्स हुई, 13 मिलियन इन्फेक्शन हुए यहां पर पिछले 2 सालों में, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के दौरान इस तरह की बीमारियों की तरफ ध्यान हट गया था यहां पर, इस तरफ यहां पर ध्यान हट गया था आपका, और फिलहाल यहां पर आपका जो फिर से जब ध्यान आया तो एक रिपोर्ट यहां पर पेश की गई है। और इस रिपोर्ट में यहां पर क्या बताया गया, इस रिपोर्ट में 3 सेक्शंस हैं। पहला है ग्लोबल एंड रीजनल इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किए गए 2021 में 22 में, ग्लोबल मलेरिया सर्विलियंस एंड कंट्री लेवल केस स्टडीज ऑन सर्विलियंस सिस्टम असेसमेंट, तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, सो ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया क्या क्या चीजें यहां पर की गई हैं। रिपोर्ट ऑल्सो फीचर्स अ डीपर सेक्शन ऑन चैलेंजेस टू मलेरिया को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है वगैरह वगैरह। 2021 में तकरीबन 95% पूरी दुनिया में जो मलेरिया के इंफेक्शन थे उसमें 95% आपके केवल अफ्रीका में ही केस यहां पर पाए गए थे। बिल्कुल, बैंकिंग की सारी न्यूज की क्लास कल होगी 5 बजे शाम को, टुमारो वी आर गोइंग टू मीट एट 5 PM, जिसमें मंथली बैंकिंग करंट अफेयर जो है वो लूंगा, आपकी लिंक मैं आपको कल सुबह शेयर कर दूंगा उसका। मोर देन हाफ ऑफ ऑल मलेरिया डेथ्स अकर्ड इन जस्ट 4 नेशन, नाइजीरिया, तंजानिया, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड नाइजर। ओके, सो ये यहां पर नाइजीरिया, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड नाइजर, इन चारों देशों में यहां पर, ये अफ्रीकन देशों हैं, यहां पर चारों देशों में आधे से ज्यादा यहां पर मलेरिया से डेथ हुई है। 11 कंट्रीज जो है विद हाईएस्ट बर्डन ऑफ मलेरिया ग्लोबल लेवल में, बुर्किना फाजो, कैमरून एंड मैनी मोर, जिसमें इंडिया भी आपका शामिल है। 4 कंट्रीज बैलीज, काबो विर्दे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, मलेशिया, ये जो है यहां पर 0 केसेस देखने को मिला, 0 केसेस। ऑल दीज कंट्री आर पार्ट ऑफ E2025, जो कि WHO का एक इनिशिएटिव है इस डिजीजेस को यहां पर आपका खत्म करने के लिए। 2 कंट्रीज चाइना एंड एल सल्वाडोर वर सर्टिफाइड मलेरिया फ्री आफ्टर अचीविंग 4 years ऑफ 0 इंडिजिनियस मलेरिया केस ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर ऑफ 2021। Despite the fact that global malaria mortality is predicted to reduce from 625,000 in 2020 to 619,000 in 2021, number of death has remained higher than the estimated, जो estimation किया गया था उससे कहीं ज्यादा यहां पर deaths देखने को मिली। On the contrary, malaria infections जो है वो भी increase हुए, लेकिन slowly increase हुए, जो कि 247 million cases 2021 में पहुंचे, 2020 में 245 थे, 2019 में एक केस 232 थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, फाइनेंसिंग इन 2021 तकरीबन $3.5 billion यहां पर फंडिंग दी गई इस पर्टिकुलर मलेरिया से बचने के लिए यहां पर, बट इट वॉज स्टिल फार शॉर्ट ऑफ $7.3 billion, जो कि यहां पर आपकी इतनी नीडेड थी, लेकिन मिली कितनी, इतनी ही आपको मिली। तो ये एक WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट थी, काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन या हाईलाइट की है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, काफी लंबी चौड़ी एक है, तो ये न्यूज जो है वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा,
पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। WMO ने रिलीज किया ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 को, जो कि यहां पर बेसिकली क्लाइमेट एनवायरमेंट सोशल चेंज ऑन अर्थ वाटर रिसोर्सेज, ओके अर्थ के वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से तब्दील हो रहे हैं उनको यहां पर समझना, उनकी जो डिमांड है जो इंक्रीज हो रही है सप्लाई लेकिन लिमिटेड है उसके ऊपर समझना। तीन की एरियाज में फोकस किया गया, स्ट्रीम फ्लो पे, टेरिस्ट्रियल वाटर स्टोरेज पे और क्रायोस्फेयर पे जो कि फ्रोजन वाटर जिसको कहते हैं उसके ऊपर फोकस किया गया। और ये कहा गया करंटली 3.6 मिलियन पीपल जो हैं हैव इनसफिशिएंट एक्सेस टू वाटर एटलीस्ट वंस अ मंथ पर ईयर, उनके पास कमी है पानी की, और ये यहां पर 5 मिलियन तक जा सकता है 2050 तक। यूनाइटेड नेशन वाटर के अनुसार 74% जो नेचुरल कैटास्ट्रोफ्स आते हैं यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं 2001 और 2018 के बीच में जो भी डिजास्टर्स आते हैं नेचुरल कैलामिटी आते हैं उन्हें 74% संबंधित होते हैं पानी से ही। ओके नेक्स्ट है WTA अवार्ड्स 2022। ये WTA अवार्ड्स जो दिए गए ये टेनिस से जुड़े हुए अवार्ड्स हैं, ठीक है टेनिस ही है ना, हाँ टेनिस ही है ठीक है। तो ये यहां पर आपका टेनिस ही होगा यार, प्लेयर तो इगा स्वातिक टेनिस के ही है, है ना कि नहीं मैं गलत हूं, ठीक है चलो WTA देख लेना कौन सा है स्पोर्ट्स, मेरे ख्याल से टेनिस ही था ये। इसके विनर हैं प्लेयर ऑफ द ईयर, डबल्स टीम प्लेयर ऑफ द ईयर, वैसे थोड़ा सा मुश्किल न्यूज है आपको याद करना, रिटेन करना, याद करना, ठीक है करना चाहो कर लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना, आने को तो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहां पर लेकिन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है बट वो उस पर्पज से कह रहा हूं कि आप इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, है ना टेनिस ही है ओके। एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स 2022 यहां पर प्रेस्टीजियस अवार्ड क्रिएटिव एक्सलेंस प्रेजेंटेड एट दी सिजम्स होल सिंगापुर में यहां पर ये अवार्ड दिए गए, और इस अवार्ड्स में जो इंडियन अवार्ड्स जिन्होंने जीते हैं, बेस्ट डायरेक्शन यहां पर जीता नेटफ्लिक्स के द्वारा ये जीता गया, बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम और सीरीज गंगा रिवर फ्रॉम द स्काईज नेशनल ज्योग्राफी को मिला, बेस्ट फैक्चुअल प्रेजेंटर यहां पर ईशा पोल को, बेस्ट इंफोटेनमेंट माई डॉटर ज्वाइंट अ कल्ट डिस्कवरी, इस तरह से यहां पर जो इंडियंस को अवार्ड मिले हैं इस कैटेगरी में मिले हैं। अवार्ड्स तो बहुत सारे थे लेकिन ये केवल और केवल इंडियन अवार्ड्स विनर हैं जो इंडिया के लोगों को यहां पर अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है ओके चल। मास्टर्स ऑफ WGO अवार्ड वर्ल्ड गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेजेंट किया 2022 मास्टर WGO अवार्ड किसको, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के आर पलाना स्वामी को यह अवार्ड दिया गया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनके इस फील्ड में। ये अवार्ड वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विच वाज हेल्ड इन दुबई में ये इवेंट हुआ था मास्टर WGO अवार्ड का, और ये यहां पर इस अवार्ड में यहां पर इनको सम्मानित किया गया है। अगली खबर पे सीनियर डॉक्टर PC रथ चुने गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के, यहां पर ये आपके चुने गए हैं, क्या चुने गए हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। WHO ने अपॉइंट किया डॉक्टर जेरेमी फरर को उनका चीफ साइंटिस्ट के रूप में, रिप्लेस करेंगे सौम्या स्वामीनाथन को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया राजीवा लक्ष्मण करंदिकर को पार्ट टाइम चेयरपर्सन किसका, NSC का नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन का, 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है एक बार पार्ट टाइम चेयरपर्सन। HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स ओके सो ये इवेंट हुआ BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स जिसमें टॉप 8 प्लेयर्स या टॉप जोड़ियां जो है डबल्स जो है वो खेलेंगे। 5 इवेंट्स हुए मैन सिंगल वीमेन सिंगल मैन्स डबल वीमेन्स डबल मिक्स डबल। इस इवेंट को होस्ट किया गया थाईलैंड में यहां पर आपका, और इस इवेंट में जो इंडिया के ये बैडमिंटन का प्लेयर है BWF बैडमिंटन का स्पोर्ट्स बैडमिंटन से संबंधित है प्रणय हसीना सुनील कुमार ये जो है प्रणय हसीना और सुनील कुमार इन्होंने यहां पर फाइनल्स में अपना जगह बनाई विद द विन ओवर वर्ल्ड नंबर 1 विक्टोर एक्सेलसन के खिलाफ इन्होंने यहां पर अपना जीता 3रा एंड फाइनल ग्रुप ए मैन सिंगल मैच इन बैंकॉक थाईलैंड में इन्होंने ये एक मैच जीता यहां पर। फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं किया क्योंकि उन्होंने पिछला मैच अपने हार गए थे लेकिन उन्होंने बीच में एक मैच में वर्ल्ड नंबर 1 जो विक्टोर एक्सेलसन है उनको हराया था
ठीक है, तो ये हराकर बाद में ये जगह फाइनल नहीं पहुंचा पाए, लेकिन ये तीसरे स्थान पर रहे, आपके फिनिश थर्ड ऑन द बीडब्ल्यू वर्ल्ड टूर रैंकिंग में ये, और ही इज रैंक्ड 11th ऑन द वर्ल्ड रैंकिंग मैन सिंगल में, राइट। तो ये है आपके यहां पर एचएसबीसी बीडब्ल्यू वर्ल्ड टूर फाइनल 2022, ये विनर थे एक्चुअल में, जो विनर रनर अप रहे हैं इस इवेंट के, बैडमिंटन का टूर्नामेंट। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को होता है, इस मौके पर यहां पर ये बहुत सारे, एक सेकेंड, इस मौके पर यहां पर बहुत सारे यहां पर इवेंट हुए, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड वगैरह वगैरह, यहां पर ये अवार्ड्स यहां पर, ओ सॉरी, इवेंट्स यहां पर ऑर्गेनाइज किए गए थे, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन 6% पर आ चुका है, 6% से नीचे आ चुका है, 5.88% हो चुका है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स भी यहां पर 19 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है, 8.39 पर, तो महंगाई कम होती जा रही है। हैज बीन ए राइट ऑफ के 1.65 लाख करोड़ लोन्स लास्ट 4 ईयर्स में, और भी बहुत सारे बैंक्स ने यहां पर राइट ऑफ किए। क्या होता है राइट ऑफ, कल मैं इस क्लास को कवर करूंगा, इस ये न्यूज सारी की सारी जो बैंकिंग का मैं कंपाइल्ड सेशन लेने वाला कल 5 बजे, उसमें बैंकिंग न्यूज को आराम से तसल्ली से डिस्कस करेंगे। चलिए आज के सेशन में इतना ही था, अभी के सेशन में इतना ही था, कुछ देर में 10-15 मिनट के गैप में मैं एक और सेशन लूंगा आपका, जिसमें मैं अभी तो 15 की कराई है, उसमें मैं 16 दिसंबर की आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स, ठीक है। और ये अनअकैडमी में अभी ऑफर है 23% डिस्काउंट का, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं आप, कोड इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू ईयर 23, इस कोड को इस्तेमाल करके आपको प्लस सब्सक्रिप्शन जो है 23% डिस्काउंट पे प्राप्त हो जाएगा। ये बैंक एग्जाम पे भी और जीआईबी एग्जाम पे भी, जीआई एग्जाम से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की क्वेरी है, कुछ भी आपको मुझसे पूछना है, तो आज 9:30 बजे अनअकैडमी पे एक स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आ जाना, ओके। आई वॉन्ट, जो भी सीरियसली इसको प्रिपेयर करना चाहता है मेरे साथ आ जाइएगा, मैं आराम से तसल्ली से अपने वहां पर बात करेंगे जैब एग्जाम के बारे में, ठीक है। चलो 10-15 मिनट में मुलाकात करते हैं, 16 दिसंबर की करंट अफेयर्स को निपटाते हैं। थैंक यू सो मच।